देहरादून में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जनता ने कांग्रेस को उसकी तुष्टीकरण नीति की सजा दी है, जबकि भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास दोबारा जीता है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रावत कभी इनाम की नौटंकी करते रहे हैं। और कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि आज कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी बिखराव और गुटबाजी के लिए उन्हें और उनकी नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भाजपा पर दोषारोपण उचित नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में हो रहे चौमुखी विकास का इनाम जनता ने भाजपा को दोबारा सत्ता की जिम्मेदारी देकर दिया है और राज्य में सड़क से लेकर रेल एवं हवाई मार्ग का ऐतिहासिक नेटवर्क स्थापित हुआ है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस को जब भी चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि हमारे मैं पहले सबसे पहले तो अपने एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं।